अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उस हाउस के ऊपर है। मुझे इस हाउस के बारे में बहुत सी रिक्वेस्ट मिली कि यार आप इसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेज बनाते हैं, एक मिडल ऑर्डर की फ्रेगरेंसेज भी बनाते हैं और एक अच्छी कैटेगरी के अंदर भी बनाते हैं, मतलब जो डिज़ाइनर हाउस को कम्पीट कर सकती हूँ। तो बहरहाल इस पर वीडियो ना बनाने की मेरी जो वजह ये थी कि मुझे ये अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी हमारे यहाँ, जो सरगोधा के अंदर, मैं सरगोधा से हूँ तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का बड़ा इशू था और कुछ कोविड की वजह से मैं आउट ऑफ सिटी जा नहीं पा रहा था, तो मैं इस वजह से इस पर ना मतलब अवेलेबिलिटी का मुझे इशू था, इस वजह से मैं बना नहीं सका। बहरहाल अब मुझे ये अवेलेबिलिटी होना शुरू हो गई है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी आएंगी। ये है रसासी और ये परफ्यूम है रमज़ अल रसासी। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे यार ये किस फ्रेगरेंस का क्लोन है, किसका इंस्पायर्ड वर्जन है, और उस फ्रेगरेंस के मैं कहता हूँ हर किसी ने उसको ना मतलब इंस्पायर्ड वर्जन बनाया। कोई अगर ब्रांड है ना वो कोई और फ्रेगरेंस बनाए ना बनाए उसका ज़रूर बनाती है। एवेंटस बाय क्रीड यार वो एक बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, उसका एक फील अलहदा है, उसका एक फ्लेवर ही अलहदा है। मैंने बहुत सी फ्रेगरेंसेस को यूज़ किया है, नो डाउट वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर वो परफॉर्म अच्छा करे ना तो यार वो एक सिग्नेचर सेंट बनाने के काबिल है। मैंने उसको भी यूज़ किया, उसका एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा फेमस जो इंस्पायर्ड वर्जन कह लें या उसको क्लोन कह लें, वो क्लब दी नुइट इंटेंस मैन और माफ का वर्ल्ड वाइड फेमस है। बहुत से लोग उसके बारे में भी जानते हैं, बहुत से लोगों ने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। एवेंटस का कहीं ना कहीं कह सकते थे कि एक चीप प्राइस के अंदर एक अच्छा अल्टरनेटिव उन्होंने बनाया था, पर अब उसमें भी उन्होंने वेरिएंट्स बनाना शुरू कर दिए। ईडीटी का अलहदा बनाया हुआ है, ईडीपी बनाया हुआ है, उसके अलावा एक उसके अलावा परफ्यूम वर्जन बनाया हुआ है, एक वो स्पेशल एडिशन कुछ इस तरह करके भी कुछ है उसका। लेकिन यार वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइब्रिड हो गई हैं और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गई हैं वो चीज़ें, पर मुझे वो समझ नहीं आती प्राइसेस। यार आपने इंस्पायर्ड वर्जन नहीं बनाया, आपने कौन सा ओरिजिनल चीज़ बना लिया, को प्राइस का भी तो डिफरेंस देखो यार, 7,500-8,000 रुपये में या 6,000 रुपये में हमने वो इंस्पायर्ड वर्जन ही लेने हैं। और बड़ी ऑप्शन हैं और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं यार, इसमें जाना हो तो फिर और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आ जाती हैं। पर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मेरा जो राय थी मैंने आपके साथ शेयर की। अब अगेन अपनी वीडियो पे आते हैं यार, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ईडीपी वाला वर्जन, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एज कम्पेयर टू जब ईडीपी तो अब आया ना या कुछ टाइम पहले आया, तो ये पुराने ईडीटी और ये वर्जन चल रहे हैं। मैं अगर पुराने ईडीटी के अंदर और इसके अंदर कंपैरिजन करूँ ना ये रमज़ अल रसासी के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये जो रमज़ अल रसासी है ना ये एवेंटस के तरह ज़्यादा करीब चला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये एवेंटस का ना ये इसका फील जो रमज़ अल रसासी है इसका फील जो है ना ये इस तरह है कि एवेंटस के जो स्मोकी या वुडी टेक्सचर के जो बैजेस थे ना उन जैसा फ्लेवर करता है। यार बिल्कुल वैसा ही करता है, मैं भी इस चीज़ पर एग्री करता हूँ कि यार ये बिल्कुल वैसा फील देता है और वैसा एक ज़बरदस्त सा फील आता है। लेकिन ना मुझे इसके इस वाले के अंदर ना मुझे एक चीज़ पता है क्या महसूस हुई, मुझे इसके मिडल ऑर्डर में इतनी कोई वर्किंग नहीं नज़र आई। मुझे महसूस हुआ कि यार ये मिडल ऑर्डर में कोई इतना ज़्यादा ना मतलब टाइम नहीं देता, स्टेबिलिटी नहीं है जो मुझे इसके अंदर कमी महसूस हुई। इसके टॉप बड़े अच्छे हैं, सिट्रसी टोन्स हैं, उसके बाद आपको ना मैंने बल्कि लगाया 2-3 दिन से मेरा सेंट ऑफ द डे भी यही है। मैंने लगाया तो मेरी छोटी बहन मुझे कहते कि असल भाई आपने जो आज फ्रेगरेंस लगाई ना ये बहुत ज़्यादा सिट्रसी नहीं है, और नो डाउट वाकई सिट्रसी है, इसमें ना आपको बड़ा प्रॉपर सिट्रसी टोन आपको महसूस होता है। फ्रूटी टोन है कह सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आपको महसूस होगा। और जो इसका निचला ड्राइडाउन का फेस है ना यानी कि मिडल ऑर्डर है यार, वहाँ पे ये थोड़ी सी ना ज़रा वर्किंग कोई नहीं है। हालांकि इसमें फ्लोरल नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं लेकिन वो इतनी खास को वर्किंग वहाँ नहीं महसूस होती, मतलब फील ही नहीं आता। उसके बाद नीचे आए ना तो ड्राइडाउन में बड़ा प्रॉपर फील आता है, मैं कहता हूँ मज़ेदार फील आता है। वही जो ऑकमॉस वाला या जो होती नहीं है एक जंगली सी खुशबू होती है, ज़रा एक थोड़ी सी ज़रा कड़वी सी ज़रा बिटर टाइप की फ्रेगरेंस होती है, बहुत ज़्यादा बिटर नहीं कि आपसे सूंघा ना जाए। देखिए कोई भी फ्रेगरेंसेज होती हैं जब ये डायरेक्ट होती हैं ना तो आपसे सूंघी भी नहीं जाती, ये इतनी शार्प होती हैं। अगर आप सिट्रसी, मैंने एक परफ्यूमरी के अंदर पढ़ रहा था कि अगर आप किसी भी फ्रेगरेंस के अंदर एक ड्रॉप जो है ना सिट्रस का जो रॉ मटेरियल होता है या कंपाउंड होता है या जो मॉलिक्यूल होता है वो डाल देना तो वो सारी फ्रेगरेंस को लपेट लेता है। लपेटने से मतलब कि उनको सारों को वो खा जाएगा, वो अकेला वही रह जाएगा। इसको डाइल्यूटेड करके बड़ी टेक्निकल फॉर्म में इसको बहुत ज़्यादा कड़वी फ्रेगरेंसेज को भी डाइल्यूटेड करके एक उसको इतनी लेकर आते हैं कि वो मतलब ना बंदे के ना हम उसको कैसे कह लें, हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, हमारी नोज़ उसको समझ सके, वो इतनी कड़वी से इतनी सॉफ्ट हो जाए कि हमें वो पहचानने में हमें सूंघने में मज़ा आए। तो बहरहाल ये जो ऑकमॉस टाइप की जो इसकी बिटरनेस है या कुछ थोड़ा सा इसमें से जो कड़वा टोन होती है वो है इसके अंदर, वुडी टोन है इसमें। मुझे ना बिल्कुल जो है ना प्रॉपर जो वुडी जो है जैसा सीडर वुड का जो फ्लेवर आता है वो महसूस हुआ। उसके साथ इसके अंदर आपको ना निचले और कहीं नीचे चले जाना तो एम्ब्रोक्सिन टाइप जो एम्ब्रोक्सिन का जो है वो फ्लेवर आपको मिलेगा।
मुझे ये फ्रेगरेंस ओवरऑल एवेंटस की बहुत ज़्यादा क्लोज लगी। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर फ्रेगरेंस का एवेंटस वाला अगर आपने मज़ा लेना है ना, नो डाउट वो चीज़ नहीं है, कन्फर्म नहीं है, ना हो सकती है। अगर आपने वैसा फील लेना है, वैसा मैजिक लेना है, या कोई उस तरह की आपने कोई थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से क्लब भी नुइट इंटेंस मैन से ये बेहतर लगती है मुझे फ्रेगरेंस। परफॉर्मेंस के अंदर बहुत से लोगों की बहुत सी राय हैं, बहुत से लोग इसको कहते हैं कि यार ये जीरो परफॉर्मर है, कुछ कहते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यार मेरी ओपिनियन जो इसके अंदर है ना, जो मैंने दो तीन दिनों के अंदर आजकल के मतलब क्लाइमेट के अंदर चेक किया है, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है 5 to 7 के आसपास क्लाइमेट है आजकल का, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पहले 1.5 घंटा, मैंने तो वैसे 2 घंटे भी इसको देखा है, 2.25 घंटों के आसपास तक देखा है, लेकिन मैं 1 घंटे से लेकर ना 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास तक मैं कहूँगा कि आजकल के क्लाइमेट के अंदर ना ये परफॉर्मेंस सियाज के हवाले से अच्छा देती है, एक अच्छा फील बनाती है, एक अच्छा बबल बनाए रखती है आपके पास। लेकिन उसके बाद एकदम स्लाइटली गिरना शुरू हो जाती है, तो ना कि थोड़ी 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 गिरे नहीं, एकदम गिर जाती है फ्रेगरेंस। फिर ये इतनी गिरती है कि बस एक बाजू की लेंथ तक या बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज तक ये आपके रहती है, और अगर कोई आपके पास से गुजरे या आप किसी के पास से गुजरे या पीछे कोई आपके पीछे से हवा का झोंका किसी को मिले, तो ये उतनी स्टे करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। वैसे लास्टिंग के हवाले से आजकल के अंदर मुझे ये तकरीबन 10 बजे तक, मैंने 10 बजे सुबह तकरीबन मॉर्निंग में लगाई है, और मुझे कुछ तकरीबन कुछ 6-7 बजे तक मुझे से कम्प्लीमेंट मिले हैं। मुझे लोगों ने कहा कि यार कौन सी फ्रेगरेंस लगी, लेकिन उन्होंने इतने नहीं कहा कि मैं गुजरा हूँ, उन्होंने मेरे बिल्कुल करीब आके मिले हैं, तो मुझे पूछा उन्होंने यार फ्रेगरेंस अच्छी कौन सी लगाई है। ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा भी मिले और हो सकता है इससे कम भी मिले। इसके बैजेस के बारे में भी इशू है, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि 2016 से ऑनवर्ड जो बैजेस हैं ना, 2017, 16 या इससे पीछे के जो जितने भी बैजेस हैं ये परफॉर्म अच्छा करते रहे हैं, और 2018, 19, 20 इस तरह के जो बैजेस हैं ना उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं मिली। पर मेरा वाला ये जो बैज है, मैंने इसको देखा था, मेरे ख्याल से ये 2018 वाला है, तो ये मेरे ख्याल से मुझे तो इसकी बेहतर मिली है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी इस फ्रेगरेंस के अंदर। अब गर्मी में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये वर्सेटाइल किस्म की फ्रेगरेंस है, इस तरह की फ्रेगरेंसेज आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और आउटडोर इंडोर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब ये समर में कैसा परफॉर्म करती है, ये असल इसका इम्तिहान है, इसका टेस्ट है। पर वो चेक करके आपको मैं बताऊँगा ज़रूर। बाकी जिन भाइयों के पास ये फ्रेगरेंस है या जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो मुझे अपनी ओपिनियन से ज़रूर मतलब ना आगाह कीजिएगा कि यार उनकी ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आया वाकई ही ये एवेंटस के ज़्यादा क्लोज लगती है, आपको लगती है क्लब द नुइट इंटेंस मैन से बेहतर है, या आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में परफॉर्मेंस के हवाले से, ये मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसकी प्राइस मैं बताना आपको भूल गया, यार मुझे ये बड़ी सस्ती प्राइस में मिल गई है, और बहुत से लोग इसको कहते हैं कि 4,000 के आसपास आपको मिलेगी, मुझे ये 3,000 से भी नीचे मिली है, 2950 में मिली है। अब पता नहीं उसके पास पुरानी पड़ी हुई थी, उसको इसकी नई प्राइस का आइडिया नहीं था, उसने मुझे दे दी, ये मेरा नहीं, बहरहाल मेरे साथ ये लकीली ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 3,000 से 3,500 के अंदर अंदर ये मिलनी चाहिए। मुझे ये 3,000 रुपये में मिल गई है, राउंड फिगर 3,000 में मिल गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।